दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो, स्वर्ण समृद्धि योजना। सोलन के समीप धारो की धार में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पिकअप में करीबन 7 लोग सवार थे। यह सभी पास के गांव में एक शादी समारोह में जा रहे थे कि अचानक चढ़ाई में चालक पिकअप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जिसके चलते पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गाँव में इस खबर से मातम सा छा गया। खबर मिलते ही जिला प्रशासन भी क्षेत्रीय अस्पताल में पहुंचा और घायलों को फौरन राहत भी प्रदान की। इस मौके पर अस्पताल पर पहुंचे तहसीलदार गुरमीत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली वह मौके पर पहुंचे तो यहां पाया कि दुर्घटना में एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश है उसकी मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को 25,000 की फौरी राहत प्रदान की गई और वहीं घायल व्यक्ति को 5,000 की राशि प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अभी घटना किस कारण से हुई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आज शाम लगभग 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि दारों के दार में एक गाड़ी की दुर्घटना हुई है, जिसमें राकेश नामक व्यक्ति जो राणा चिब्यूल सिरमौर के रहने वाले थे उनकी डेथ हुई है और नरेश नामक व्यक्ति घायल हुए हैं। अब बाकी उनको फौरी राहत दी गई है। जिनकी डेथ हुई उनको 25,000 रुपये और जो घायल हुए उनको 5,000 रुपये जिला प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के तौर में दिया गया। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।